ओके प्रीवियस मीटिंग में हम लोग सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे और उस रिलेटेड तो जो है वो एग्ज़ैम्पल्स कर रहे थे तो एग्जाम पहली दो एग्जांपल्स हम लोगों ने कर ली थी जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसमें आपको सीक्वेंस की एंथ टर्म जो है वो या सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसकी डिफरेंट टर्म्स जो हम लोगों ने फॉनोट की थी अभी इस मीटिंग में हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर थ्री करनी है एग्जाम्पल नंबर थ्री में आपको एक सीक्वेंस की एंथ टर्म या जनरल टर्म जो है वो दी गई है तो एंथ टर्म भी कह सकते हैं इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं जनरल टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको यूज करते हैं सीक्वेंस की बाकी टर्म्स जो हैं वो जितनी भी हैं सारे टर्म जो है वो फाइनआउट कर सकते हैं इसलिए इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं और एंथ टर्म भी बोलते हैं।, esta... <tapodicų> हैं तो अगर सीक्वेंस आपको एग्जाम्पल नंबर वन थ्री में दी हुई है जिसकी जनरल टर्म है एन ओवर टू एन प्लस वन और हमने क्या करना है सीक्वेंस की ट्वेल्थ टर्म फाइंड आउट करनी है और इक्कीसवीं टर्म फाइंड आउट करनी है जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सीक्वेंस आपको दी गई अगर आपको उसकी एंड टर्म पता है तो आपको उसकी कोई सी भी नंबर वाले टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने क्या करना है नेचुरल नंबर में से देख लिया आपने कौन सा नंबर पुट करना है वन पुट करने से अगर आपको पहली टर्म मिल रही है टू पुट करने से अगर आपको दूसरी टर्म मिल रही है इसका मतलब यही है कि अगर आप ट्वेल्व पुट करेंगे उस सीक्वेंस की एन टर्म में तो आपको उस सीक्वेंस की ट्वेल्थ टर्म जो है वो मिल जाएगी तो यहाँ पे जो आपको एंड टर्म का फॉर्मूला दिया है सीक्वेंस का एन टन प्लस वन इसको हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एन टन क्योंकि जनरल टर्म या टर्म्स टर्म है यहाँ पे अगर हम जो है वो एन की जगह ट्वेल्व पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए ट्वेल्व इज इक्वल टू टू टाइम प्लस वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव आपको इस सिक्वेंस की जो है वो ट्वेल्थ टर्म, टर्म जो है वो मिल जाएगी इसी तरह अगर आप इस सीक्वेंस की एन टर्म में जो है वो एन की जगह इक्कीस पुट करेंगे इक्कीस फुट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा ए ट्वेंटी वन यानी कि इक्कीसवीं टर्म मिल जाएगी और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ट्वेंटी वन बाई फोर्टी थ्री इस सीक्वेंस की जो है वो इक्कीसवीं टर्म जो है वो मिल जाएगी तो किसी सीक्वेंस की अगर आपको जनरल टर्म या टर्म की दी गई है तो उसको यूज करके आप उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं उसके अलावा नेक्स्ट आ गया है एग्जांपल नंबर फोर इस एग्जांपल नंबर फोर में

तो अगर आप एह बनाना चाहिए तो सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी आ रही है इसी तरह की आपके पास जो है वो माइनस वन होगी तो वन माइनस वन वन माइनस वन तो वन ही आपके पास जो है बार बार आ रहा है साइन के चेंज के साथ कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव वन आ रहा है तो अगर आपने सीक्वेंस की टर्म बनानी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वन इन्वॉल्व हो रहा होगा लेकिन हमने जो है वो वन को इस तरह इन्वॉल्व करना है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट टर्म की तरफ जाएँ फर्स्ट टर्म की तरफ जाएँ फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आंसर प्लस वन आए अगर सेकेंड टर्म अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस वन आए थर्ड टर्म फाइंड आउट करें हमारे पास आंसर जो है वो फिर प्लस वन आए तो इस तरह जो है वो आपके पास तो नीच टर्म्स का आंसर भी ये वाला आना चाहिए तो अगर हम देखें तो हमारे पास वन तो एक इन्वॉल्व हो रहा है सीक्वेंस की टर्म में दूसरा ये है कि हमने अपने अहम टर्म वाले फार्मूले में माइनस भी जो है इन्वाल्व करना है ताकि अगर हम जो है वन के साथ आंसर में जो है वो कभी प्लस वन कभी प्लस माइनस वन भी आ सके और हमें पता है कि के लिए प्लस वन माइनस वन शब्द हो किस तरह आती है तब आती है जब आप माइनस की डिफरेंट पावर लेते हैं माइनस वन की जब आप डिफरेंट पावर लेते हैं तब तो आंसर आपके पास जो है कभी प्लस वन आता है कभी माइनस वन आता है तो अगर हम माइनस वन की पावर अगर यहाँ पे एन लेते हैं ठीक है तो अब एन की डिफरेंट वैल्यूज के बनने इसका आंसर प्लस वन मिलेगा कभी माइनस वन मिलेगा लेकिन अब हमें हमने देखना है कि क्या ये एन टर्म वाकई सीक्वेंस की एंटर बन रही है या, या नहीं बन रही तो अगर इस सीक्वेंस सिक्वेंस हम एन की जगह वन पुट करते हैं इस सीक्वेंस की जो एन टर्म है इसमें अगर वन एन की जगह वन पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस वन की पावर वन वो किसके इक्वल है वो माइनस वन की इक्वल है और माइनस वन क्या बन जाएगी सीक्वेंस की पैटर्न बन जाएगी लेकिन यहाँ पे जो हमें जो सीक्वेंस दी गई है उसकी सीक्वेंस की क्वालन वो माइनस वन नहीं बल्कि प्लस वन है इसका मतलब ये जो मैंने एंड टर्म लिखी है यहाँ पे ये जो गिवन सीक्वेंस क्वेश्चन में हमें दी गई है ये उसकी एंड टर्म नहीं है ये किसी और सीक्वेंस की टर्म बन रही है हमें सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसके फार्मूले को ताकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस दी गई है उसकी हेड टर्म जो है वो बन सके थोड़ी सी चेंजिंग फिर और क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं जो

Zero, और किसी भी नंबर की और यही क्या है वो फाइंड करना चाहेंगे सीक्वेंस की इसी फार्मूला को यूज करती है जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो क्या होगा माइनस वन की पावर टू माइनस वन और टू माइनस वन किस इक्वल होता है माइनस वन की पावर टू माइनस वन वो

स की पावर एन टर्म का फार्मूला है आप एन की यहाँ पे भी लिखा हुआ है की पावर ये क्या सीक्वेंस का फार्मूला है आप एन की जगह वन टू थ्री फोर पुट करते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको सीक्वेंस की साइड टर्म जो है मिलती जाएंगी उसके अलावा किसी का यहाँ पे आ, जो है वो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं एन टर्म के केस में फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइनस वन की पावर यहाँ पे एन माइनस वन की बजाय अगर एन प्लस वन लेते हैं फिर देखते हैं कि आपकी एन टर्म का ये फार्मूला सिक्वेंस के एन टर्म का फार्मूला बनता है नहीं बनता उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो एन की जगह जो है वो वन पुट करके देखे क्या आंसर आता है तो यहाँ पे एन की जगह अगर हम वन पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन एन की जगह वन पुट किया तो एन प्लस वन की जगह क्या आएगा वन प्लस वन ये बन जाएगा माइनस वन की पावर टू और माइनस वन की पावर टू किसकी इक्वल होती है वो प्लस वन की इक्वल होती है तो ये क्या बन गई सीक्वेंस की टर्म बन गई जो कि यहाँ पे भी दी हुई है उसके बाद अगर आपने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो ए टू होगा वो होगा माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन एन की जगह हम टू पुट करें तो ये बन जाएगा टू प्लस वन और इंडियन क्या बन जाएगा ये माइनस वन की पावर थ्री और माइनस वन की पावर थ्री किसके इक्वल होता है माइनस वन के इक्वल होता है ये क्या बन जाएगा सीक्वेंस की इस तरह इसी फार्मूला में इसी टर्म तो इस 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 में जगह तो आपको इस तरह इस फार्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ की आपको दो फार्मूलाज आसानी से मिल रहे हैं तो दोनों में से आपने कोई एक फार्मूला लिखा ना कि सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला एक से ज्यादा हो सकता है तो आपको जो भी आसानी से मिल आप वो बता दें कि ये सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन ये भी सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला बन रहा है इसको भी आप बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस की यहाँ टर्म है ये जनरल टर्म है और उसके अलावा ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन इसको भी जो है एज ए जनरल टर्म के फार्मूले के, के तौर पर आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक बताना ही काफ़ी है चाहे आप ये बता लें या ये बता लें आपका दोनों केसेज में आंसर जो है वो सही है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन है उसमें सीक्वेंसेस दी हुई हैं लेकिन सीक्वेंसेस के जनरल टर्म्स या एन टर्म जो है वो नहीं दी हुई बल्कि सीक्वेंसेस की टर्म्स जो है वो पहले चार पार्ट टर्म्स लिख के सोन करके आपको टर्म्स वाइज जो है वो सीक्वेंस दी हुई हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं टोटल एट पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको जो है डिफरेंट सिक्वेंसिस जो है वो दी हुई हैं और कहा गया है कि आप जो है को फॉलो करते हुए जैसे हम लोग आप लोगों को याद हो प्रीवियस मीटिंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी वाले बॉक्स में अगर देखें तो सिमिट्री को फॉलो करते हुए जो पहली सीक्वेंस थी इसकी जो सिक्सटीन के बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स थी उनको जो है वो फाइंड आउट किया था इसी तरह इसी एक्सरसाइज का जो सेवन पॉइंट वन का जो पहला क्वेश्चन है जिसके टोटल एट पार्ट्स हैं हर पार्ट में जो डिफरेंट सिक्वेंस आपको दी गई हैं इनमें आपको कहा गया है कि हर पार्ट में जो भी सीक्वेंस दी गई है उसकी सिक्वेंस की जो नेक्स्ट टू टर्म्स आए हैं नेक्स्ट टू टर्म जहाँ तक उसने लिखी हुई है सीक्वेंस टर्म उनके बाद जो नेक्स्ट दो टर्म्स आ रही हैं सीमिट्री को फॉलो करते हुए जो भी आपको हर सीक्वेंस में आपको जो है डिफरेंट टाइप की सीमिट्री जो है वो देखने को देखने को मिलेगी तो सीमिट्री को फॉलो करते हुए आप सीक्वेंस की जो है वो देखें कि नेक्स्ट दो टर्म्स जो हैं वो कौन सी आएंगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं पहले पहला ही करना चाहूँ तो पहले एग्जाम्पल में देखें तो फाइव के बाद सिक्स नहीं लिखा सेवन लिखा सेवन ही लिखा एट लिखा है अलेवन लिख दिया है ट्वेल्व और थर्टी नहीं लिखा फोर्टीन लिखा हैं और फोर्टीन के बाद उसने क्या लिखा है फिफ्टीन और सिक्सटी नहीं लिखा दो टर्म छोड़ दिए फिर सेवनटी लिखा तो क्या कर रहा है पैटर्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो जब भी टर्म्स लिख रहा है नंबर्स की अगर है सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो दो दो नंबर छोड़ के फिर जो है वो एक एक नंबर लिख रहा है जिसको जिनको लिख के वो आप सीक्वेंस की टर्म जो है बना रहा है तो अगर इसी पैटर्न या सिमेट्री को अगर हम फॉलो करें तो सेवनटीन के बाद एटीन और 19 नहीं लिखेंगे तो सेवनटीन के बाद वाली जो टर्म आएगी वो क्या क्या आएगी ट्वेंटी आएगी इसी तरह ट्वेंटी के बाद अगर हम दो नंबर छोड़ दें ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू तो उसके बाद जो ट्वेंटी के बाद वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी वो ट्वेंटी थ्री होगी इस तरह ये क्या बन जाएंगी सीक्वेंस की नेक्स्ट दो टर्म्स बन जाएंगी एंड सो ऑन अगेन जो सीक्वेंस जो है वो ये वाली चलती जाएगी तो ये हमने क्या कर दिया जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसमें जो सीक्वेंस दी हुई थी उसकी नेक्स्ट दो टर्म्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है उस सीक्वेंस जो टर्म दी हुई थी उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर वन के जो है वो बाकी पार्ट जो है वो सारे के सारे करने हैं कि जो भी सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं हर सीक्वेंस की जो नेक्स्ट दो टर्म्स आ रही हैं उनको पैटर्न को फॉलो करते हुए खुद ही लिखना है और मुझे मुझे भी बताइएगा ग्रुप में अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा उसका।, उसका उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू में लिखा आपको लिखा गया है राइट फर्स्ट फॉर टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंसेस और सीक्वेंस यहाँ पे आपको टर्म्स वाइज नहीं दी हुई बल्कि उन सीक्वेंसेस की क्या दी है आपको एंड टर्म जो है वो दी हुई है तो अब ने क्या करना है उन टर्म्स की पहली चार टर्म उन सीक्वेंसेस की पहली चार टर्म्स जो है फ्राउंड करनी है ये जो क्वेश्चन नंबर टू है बिल्कुल ये एक एग्जाम्पल नंबर वन की तरह ही है जो हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में किया था कि आपको सीक्वेंस की एथ टर्म जो है वो गिवन दी गई थी वह आपसे कहा गया था उस सीक्वेंस की पहली चार टर्म्स जो है फ्राउंड करें तो अब ने क्या करना है इनकी जगह वन टू थ्री फोर पहले चार अच्छे नंबर पुट करने हैं पुट करने के बाद सिम्प्लीफिकेशन करनी है कैलकुलेशन करनी है आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो क्या होंगे आपकी सीक्वेंस की पहली चार टर्म्स होंगी तो इसी पैटर्न या इसी वे को फॉलो करते हुए आप जो है टू जो जो है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आपको हर पार्ट में जो है वो डिफरेंट सीक्वेंस की एन टर्म का जो है वो फार्मूला जो है वो गिवन दिया गया है आपने अगर पहली चार टर्म्स फाइंड आउट करनी है पहली फोर टर्म्स तो आप क्या करेंगे पहले चार नेचुरल नंबर जो है यहाँ पुट कर देंगे सीक्वेंस में हर सीक्वेंस में तो हर पार्ट में आपको जो है वो पहले चार नाचनवर पुट करने से पहले चार टर्म हैं उनकी मिल जाएंगे ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है इसकी एग्जाम्पल हुई है ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने क्या करना है एक वक्त में कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं ये वाला तो एन की जगह वन पुट करेंगे तो वन ओवर टू की पावर वन जो कि वन ओवर टू बनता है ये स्क्रेस, उस सिक्वेंस की पहली टर्म बन जाएगी उसके बाद अगर एन की जगह टू पुट करेंगे तो वन ओवर टू की पावर टू जो कि क्या होता है फोर होता है तो वन ओवर क्या बन जाएगा फोर ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन जाएगी उसके बाद ओवर की पावर जो कि एट बनता है ये सीक्वेंस की जो है थर्ड टर्म बन जाएगी उसी तरह वन ओवर टू की पावर फोर यानी कि वन ओवर सिक्सटीन ये बन जाएगा ये सीक्वेंस की फोर टर्म बन जाएगी तो इस तरह कि वेरिएशन करते हो जो है ना वन टू थ्री फोर तक आप जो सीक्वेंस की पहली चार टर्म जो है और पहली चार ही नहीं यहाँ पे कोई सी भी नंबर वाले टर्म फाइंड आउट करनी हो चाहे दसवीं आउट करनी हो चाहे पंद्रहवीं आउट करनी हो या फाइंड आउट करनी हो एन की जगह दस पंद्रह या सतारह पुट कर दें तो आपको जो है वो ए दस ए पंद्रह या ए सतारह जो है वो उतने नंबर वाले टर्म जो है आपको सीक्वेंस की मिल जाएगी अगर आपको सीक्वेंस की एन टर्म का फार्मूला या जनरल टर्म का फार्मूला जो है गिवन दिया गया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया है कि सीक्वेंस है जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो

हमने एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस मीटिंग उससे मिलता जुलता ही है ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये एग्जाम्पल नंबर टू की तरह ही है जो हमने प्रीवियस मीटिंग में किया था कि इस एग्जाम्पल नंबर टू में भी हमें जो है वो एक सीक्वेंस की एंथ टर्म जो है वो गिवन दी गई थी सॉरी ए फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन दी गई थी और साथ में ये बताया गया था कि ए एम ए एन माइनस ई एन माइनस वन यानी कि एंथ टर्म में से ए एन माइनस एन माइनस वन टर्म अगर हम माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आता एन प्लस वन आता है एग्जाम्पल नंबर टू में मैं क्या गिवन दिया गया था कि सीक्वेंस की पहले टर्म क्या थ्री है और एंथ टर्म में से अगर हम ई एन एंथ टर्म में से अगर हम एन माइनस वन टर्म जो है माइनस करें तो आंसर हमारे पास कहता है एन प्लस वन टर्म आता है आप उस सीक्वेंस को यानी कि पूरी की पूरी सीक्वेंस को फाइनआउट करें जिसकी पहली दूसरी तीसरी चौथी एंड सोन सारी टर्म जो है फाइंड करें सारी तो नहीं फाइंड आउट करते हैं हम लोग जो है चार पाँच फाइंड आउट करके सोन करके लिख देते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस को फाइनआउट करने के लिए कहा गया था ये जो एग्जाम्पल नंबर टू है हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में की है बिल्कुल इसी से मिलता जुलदर क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री लोगों ने बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे पूरी की पूरी सीक्वेंस फाइनआउट करने के लिए कहा गया था तो आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पहली चार पांच आउट की थी उसके बाद सोन करके बताया था कि आपके पास सीक्वेंस है लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना जस्ट इस सीक्वेंस की पहली और तीसरी टर्म जो है और पहली टर्म आपको क्वेश्चन में ही गिवन दी गई है तो फिर से रिपीट कर दो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों ने गिवन सीक्वेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस सीक्वेंस की आप लोगों ने जो है सेकेंड और थर्ड टर्म जो है फाइंड आउट करनी है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है सीक्वेंस के बारे में कि जो भी सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म जो है वो फोर है और उस सीक्वेंस की एन टर्म से टर्म अगर माइनस करें तो आंसर हमारे तो पास क्या आता है टू वन आता है आंसर हमारे पास तो थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ स्टार्ट करके ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरफ तरा ही करना है ये जो आपके पास लिखा हुआ है एनथ टर्म में से जो एन माइनस वन टर्म जो है माइनस की हुई है इज इक्वल टू एन इसको अगर हम चेंज करें तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू ए एन माइनस टर्म और उसके बाद प्लस एन सॉरी प्लस एन नहीं है और उसके बाद प्लस टू एन ये कैसे लिखा है यहां पे जो माइनस ए एन माइनस वन था इसको क्या कर दिया इक्वलिटी की राइट हैंड साइड पे लेके हैं वहां पे जाके इसको जो ये माइनस वाली टर्म थी वहां पे जाके क्या हो जाएगी प्लस वन प्लस हो जाएगी तो माइनस ए एन माइनस वन क्या होगा राइट हैंड साइड पे जाकेगा प्लस ए एन माइनस वन और प्लस टू वन वहां टू एन वहां पे पहले से मौजूद है राइट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा प्लस टू वन उसको लिख देंगे राइट साइड पे पास एक तरह का जो है वो एंथ टर्म का फॉर्मला जो है बन जाएगा गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस का जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर थ्री में अब क्वेश्चन में क्या गया कि आप जो है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो फ्राउंड करें तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो एंथ टर्म का फॉर्मुला आपका बना हुआ है यहाँ पे एन की जगह अगर आप टू पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा

और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर एट बन जाएगा तो ए टू यानी कि सेकंड टर्म सीक्वेंस की जिसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या बन जाएगी एट बन जाएगी इसी तरह यही जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू एन इस फार्मूले अगर आप एन की जगह थ्री पुट करेंगे तो आपको जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म जो है वो भी मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है बिल्कुल इसी तरह ही है बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह ही है जो एग्ज़ैम्पल नंबर टू मैंने प्रीवियस मीटिंग में की थी और अभी जो ये क्वेश्चन नंबर थ्री की है ये उसी की तरह ही है बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो डाटा दिया है आपको गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस के बारे में उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको फर्स्ट टर्म जो है वो ए वन वो गिवन दी गई थी और यहाँ पे जो है आपको क्या किया उन्होंने जो फोर्थ टर्म जो है वो सीक्वेंस गवन दी हुई है और साथ में ये कहा है कि एंथ टर्म में से अगर हम ए अगर हम एन माइनस वन टर्म जो है वो माइनस करें तो हमें एन प्लस मिलता है और मतलब यही है कि हम जो है हमें हम जो है टर्म भी दूसरी भी फाउंड करनी पड़ेगी एंड सो फोर्थ टर्म जो उन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दी हुई है तो इस तरह आप लोगों को जो है सीक्वेंस की पहली चार पांच टर्म जो है खुद फाइन आउट करनी पड़ेगी जब आप चार पांच टर्म जो है खुद फाइनड आउट कर लोगे तो फाउंड करने के बाद आप लोगों ने सोन का सिंबल लगा देना है क्योंकि सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही हम जो है फिर उनको फाइन आउट कर सकते हैं सारी नंबर ऑफ टर्म्स को तो आप लोगों ने क्या करना है जस्ट पहली चार टर्म जो है फाउंड करके नेक्स्ट सोन का सिंबल लगा देना है जो ये मैंशन करेगा कि आपकी सीक्वेंस की जो बाकी टर्म्स हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रही हैं उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या कहा गया? गया है क्वेश्चन नंबर फाइव में ये कहा गया है फाइंड दीज टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस की एन टर्म क्या है माइनस थ्री की पावर एन प्लस फाइव की पावर एन तो कह रहा है कि दीज टर्म दीज टर्म कौन सी है जो आपको डिफरेंट पार्ट्स में दी हुई है पार्ट नंबर जो ए है उसमें ए लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस सीक्वेंस की पहली टर्म फाइंड करनी है

एन की जगह जहाँ पे वन बन जाएगा और फाइव की पावर एन की जगह वहां पे भी बन बन जाएगा तो ये माइनस थ्री की पावर वन प्लस थ्री और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा टू ये क्या मिल जाएगी आपको सीक्वेंस की ए वन इज इक्वल टू तो टू सीक्वेंस की पहली टर्म मिल जाएगी इसी तरह अगर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे एन की जगह जो है वो थ्री पुट करें यहाँ पे भी एन की जगह थ्री पुट करें

के प्रोग्रेशन का वर्ड भी यूज करते हैं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी आप कह सकते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं लेकिन हम जो है वो ज़्यादातर वर्ड जो है वो सीक्वेंस का यूज, यूज वर्ड यूज करेंगे हम जो है ये प्रोग्रेशन का वर्ड जो है वो ये यूज नहीं करेंगे ठीक है अदरवाइज़ आप प्रोग्रेशन का वर्ड यूज़ भी करते हैं तब भी उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी सीक्वेंस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन में प्रोग्रेशन का वर्ड लिखा नज़र आ रहा है तो प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का एक ही मतलब है दोनों ही वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं तो ज़्यादातर क्योंकि सीक्वेंस का वर्ड यूज होता तो है इसलिए मैं सीक्वेंस का वर्ड ही यूज़ करूँगा तो पहली जो सीक्वेंस की टाइप है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस ठीक है फिर आज की मीटिंग के लिए भी फिर बेके लिए फिर इतना ही काफ़ी है बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं